ये जो आप पीछे जो पानी देख रहे हो इस डैम के अंदर अराउंड 70 to 80 feet। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम त्रिवेंद्रम, नाउ इट्स 5:13 एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम ईशान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IB Films। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं तो अभी सुबह के 5:30 हुए हैं और बाहर अभी बिल्कुल अंधेरा है, बट मैं सुबह अभी 4:30 का उठा हुआ, मैंने पैकिंग वगैरह कर ली है। बस मेरे को अभी यहाँ से निकलना नहीं है, मैं अभी हूँ आज यहीं पे, मेरा स्टे है। कल भी मैं यहीं पे ही था, कल मैं यहाँ पे आ गया था बड़ी मुश्किलों से, आया रात को भी मैं बस थका हुआ था तो जल्दी सो गया था, इसीलिए अब जल्दी उठ गया हूँ। और अब मेरे को सुबह सुबह जाना है पुनमुड़ी। पुनमुड़ी यहाँ से अराउंड 60 to 65 किलोमीटर है, जो कि पूरे माउंटेन्स है, माउंटेन राइड होगी, तो 2 hours or 2.5 hours के अराउंड वहाँ पे लगेगा जाने में। आज की राइड का बेसिकली मेन सिनेरियो ये है, उसके बाद में भी कुछ प्लान्स हैं लाइक निहार डैम, बीचेस, आई थिंक जो भी जितना भी पॉसिबल हो पाया वो सारी चीज़ें आज इस व्लॉग में कवर होंगी, तो पूरा देखिएगा और बने रहिएगा। और जिसने भी अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो IIIHHH_VLOGS के नाम से इंस्टाग्राम हैंडल है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, रात को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, अभी मैं इसीलिए अपने रेन कवर्स वगैरह और पॉलीथिन वगैरह सारी चीज़ें साथ में कैरी करके जा रहा हूँ, ताकि रास्ते में अगर कोई भी दिक्कत हो तो मैं मैनेज कर पाऊँ और मेरा कोई भी कैमरा वगैरह कुछ भी डैमेज ना हो। वैसे तो सुबह सुबह ठंड होती है और मैंने ऐसा आज कुछ भी नहीं डाला है जो कि मैं ठंड से बच सकूं, सिर्फ टी शर्ट। बट मेरे पास एक ना सोल्यूशन है जो कि मैं आप सबको और बताना चाहूँगा, जो कि आज मैंने करा है। मैंने पूरा नीचे से लेके ऊपर तक ना खुद को पूरा रेन सूट पहन लिया है, तो अब इससे क्या होगा कि हवा मेरे अंदर क्रॉस नहीं होगी और मेरे को ठंड नहीं लगेगी। और वैसे भी अभी माउंटेंस की राइड है, ऊपर वैसे ही ठंड होगी, तो इसीलिए आज मैं रेन सूट डाल के राइड कर रहा हूँ। बस मैं एक ही प्रे करूंगा कि आज बारिश ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि मेरे राइडिंग शूज़ पूरे गीले हैं, वो भी नहीं सूख रहे, मेरे को नहीं लगता आज भी वो सूखेंगे। और अगर ये वाले शूज़ भी गीले हो गए, रेड टेप वाले भी, तो भाई मैं क्या ही पहनूंगा आगे राइड पे, मुझे समझ नहीं आ रहा। राइनॉक्स के साथ चप्पल में राइड करनी पड़ेगी यार आगे। सामने क्लाउड्स दिख रहे हैं कैमरे में? हाँ दिख रहे हैं, देखो कितना सुंदर लग रहा है। ओहो कौए, माय गॉड कितना सुंदर लग रहा है, रोशनी होने शुरू हो गई है। अब काश मैं रोशनी से पहले वहाँ पे पहुँच पाता। खैर अगर अभी भी अगर मैं सनराइज से पहले पहुँच गया, वैसे तो इम्पॉसिबल है, 7 बजे के बाद ही दिखा रहा है मेरा अराइवल टाइम। सारे रोड खराब आने की वजह से अब स्पीड स्लो हो गई है और उधर ऑरेंजिश हो गया स्काई और सनराइज होने वाला है, ऑरेंजिश ब्लू अलग अलग कलर के हो रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सनराइज़ बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे कि वॉलपेपर्स नहीं होते गूगल पे। बीच में फोग जा रही है, ऊपर पूरे क्लाउड्स हैं, वो यहाँ भी फोग है। चीज़ और देख रहे हो आप, ये पेड़ के नीचे ये जो कुछ कुछ बांध रखा है इन्होंने, ये इसीलिए बांधा हुआ है क्योंकि ये रबर के पेड़ हैं, रबर के, यहाँ से रबर निकलता है। तो ये है रबर का जंगल, ठीक है, और ये जो बांधा हुआ है ना पेड़ों में, दिख रहा है ये सारे, ये टोटल रबर है, रबर के पेड़ हैं, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं, पता नहीं किसका फार्म है भाई, मैं अंदर तो भाई घुसा दिया तो अच्छी बात नहीं है ना ऐसे कि किसी के भी फार्म में बिना पूछे बिना परमिशन के घुस जाना। इस रेस रेस पिक्स रेस पिग रेस, ओ बच गए, जंगली फुल जंगली सुअर है। ऑल राइट वेलकम टू पुनमुड़ी, और ये चेक पोस्ट ओपन, एट नोट नाउ। Oh my God, 6:43, सवा घंटा वेट करना पड़ेगा यार। यहाँ पे बहुत सी स्पीशीज पाई जाती है, 59% ऑफ 483 बर्ड्स स्पीशीज इन केरला आर फाउंड इन पुनमुड़ी, ऑफ द 16 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एपिडेमिक इन वेस्टर्न घाट 15 आर फाउंड इन पुनमुड़ी एंड 332 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज इन द वेस्टर्न घाट आउट ऑफ विच 195 आर फाउंड हेयर। बाकी आप पोज करके पढ़ लीजिएगा, अभी मैं जा रहा हूँ, 8:02 हो गए हैं। हाउ आर यू ब्रो? Yesterday
Yeah, this guy is in Munnar at my go stop. और यहाँ पे मिल गए हैं, सही है. One more thing, this is not a sanctuary, but it is a wildlife forest. Mostly birds species are there. Mostly bird species of Kerala is in this sanctuary, Panmudi. मेरे को यार ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है हर व्हीकल का, इसीलिए मैं ना इस कार को भी अपनी इस वीडियो में लेना चाहता हूँ. अच्छा लग रहा है, मैं तो बिल्कुल ही आसमान में हूँ. देखो सब कुछ बहुत ज़्यादा नीचे है, ये सबसे ऊंचा पहाड़ ही हूँ समझ लो, वो नीचे तक दिख रहा होगा अगर आपको. तो लिटरली मज़ा आ गया यार, देखो तो कहाँ पे चला रहा हूँ मैं बाइक. ओ माय गॉड, सो दिस इज द व्यू पॉइंट. दिस इज द कैफेटेरिया एंड वॉशरूम्स इन पुनमुड़ी. वी हैव टू पार्क आवर बाइक्स हियर एंड कार्स आर देयर. लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप जो ये व्लॉग देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप केरला की उन ऊंचाइयों से जहाँ से सबकी सब गहराइयाँ ही दिखाई देती हैं. आप पीछे देख सकते हो पूरी गहराइयाँ हैं, और यहाँ पे आके जो अच्छा लग रहा है मेरे को, अभी आधा एक घंटा हो गया यहाँ पे बैठे बैठे और मैं बस आसमान को देख रहा हूँ. आसमान बिल्कुल यूँ टच होके निकल रहे हैं, ये ग्रीनरी के जो मज़े आ रहे हैं देखने में, और ये हरे भरे पहाड़, और ये सफ़ेद बादल, नीला आसमान, पीला सूरज. पीला मेरा हेलमेट भी है, खैर बड़ा अच्छा सा लग रहा है यहाँ से. मन कर रहा है बस बाहें खोल के बस बैठा रहूँ और इसी हवा को बस अपने अंदर लेता रहूँ. क्लाउड्स देखो यहाँ पे नीचे तक आ गए हैं बिल्कुल, यहाँ पे भी टच हो रहे हैं, कितना सही लग रहा है. मतलब मैं अभी क्लाउड्स के अंदर हूँ बिल्कुल. ये देखो क्लाउड्स देखो कैसे आ रहे हैं सारे इतने नीचे तक, मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा था. ये देखो यहाँ भी, लुक एट दिस, हो नीचे पूरा सब कुछ ही बिल्कुल ही ब्लाइंड स्पॉट हो गया है. नीचे इतने क्लाउड्स हो गए हैं, फोग देखो नीचे. लेट मी शो यू, देखो जब आया था तब सब कुछ दिख रहा था, वो देखो थोड़ा बहुत वहाँ पे भी कुछ दिख रहा है, बाकी सब पूरे क्लाउड्स. Oh my God! मैंने ऐसी राइड आज तक नहीं देखी, और इतनी cloudy. Wow man! What a beauty, beautiful man! No words for this view. The clouds are looking so amazing, damn amazing. Is there any waterfall? No, there is Meenmutti waterfall. Some 12 किलोमीटर सम किया. हाउ मच किलोमीटर? 12. अभी मैं दो चीज़ों में कंफ्यूज हूँ. यहाँ से मेरे को जाना निहार डैम जो कि 48 किलोमीटर है यहाँ से, 1 घंटा और 14 मिनट, और एक यहाँ पे वाटरफॉल है जो मैंने कि रास्ते में आते हुए देखी थी मीनमुट्टी, वो यहाँ से 12 किलोमीटर बता रहे हैं, वो चेक कर लेता हूँ. सो द फाइनल डिसीजन इज़ आई एम गोइंग टू निहार डैम, डैट इज़ अराउंड 47 किलोमीटर फ्रॉम हियर एंड 1 hour and 11 minutes, एंड आई एम नॉट गोइंग टू मीनमुट्टी वाटरफॉल बिकॉज इट इज़ द सेम एज द सावरी वाटरफॉल डैट आई विजिटेड इन साउथ गोवा. I forgot to wear my shoe cover. This can protect my shoe on the way of gear shifting. 1000 का है और यहाँ का रेट है 117. Wow. निहार डैम के रास्ते में आपको सारी ऐसे बेल आती हुई दिखेंगी नीचे रोड पे. निहार डैम. यहाँ पे 10 rupees की एंट्री है
और अगर आपका कोई व्हीकल है तो उसके चार्जेस अलग हैं, बाइक के 10 है, बाकी कार के शायद 30 या 50 है, जो भी मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। और बाकी यहाँ पे अभी स्विमिंग पूल और बन रहा है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तो नहीं है बट अभी आगे क्या पता स्विमिंग पूल भी खुल जाएगा, उसके 50 रुपीज़ अलग है। अरे यार ये वाला डैम भी बंद है, बस साइड से वो देखो थोड़ा सा खुला है, ये पानी आ रहा है। ये तो यार फिर से लोल सा हो गया मेरे साथ। वो कह भी रहे थे कि अभी काम चल रहा है, थोड़ी साफ सफाई वगैरह चल रही है, इसीलिए बंद कर रखा है शायद। आई थिंक डैम के ऊपर जो लोग घूम रहे हैं ना, वहां से कुछ ना कुछ व्यू दिखेगा, ऊपर की साइड चलते हैं डैम के। अभी पीछे यहाँ के गार्ड या पुलिस जो भी थे यहाँ, उन्होंने बताया कि ऊपर आप बाइक भी लेके जा सकते हो, पार्किंग में से लेके और बाइक पार्किंग से बाहर निकाल के और लेफ्ट साइड से आप ऊपर बाइक ले जाओ और वहाँ से सारा चीज़ें घूम सकते हो और बाइक ऊपर भी पार्क कर सकते हो डैम के डैम टॉप पे। और यहाँ पे क्रोकोडाइल पार्क जो है वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हो। तो मैं अभी वापस पार्किंग में जा रहा हूँ बाइक लेके, अब बाइक से ऊपर जाएंगे, बहुत पैदल चलनी है गर्मी में यार। ये वही जगह है, इस दीवार के पीछे मैं अभी अंदर खड़ा था, अब इधर से बाइक पे जाएंगे। अगर यहाँ से जहाँ से मैं जा रहा था रोड से, यहाँ से जाओगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, अंदर से स्टेयर्स है फॉर वॉकिंग। वेलकम टू निहार इको टूरिज्म। ओह वाओ, ऑल राइट, आई पार्क्ड माय बाइक हियर, नाउ गोइंग टू डैम। यहाँ पे बोटिंग भी होती है 700 रुपीज़ में, कुछ लोग कर भी रहे थे, मेरे को भी कह रहे थे, अभी 3 लोग थे, वैसे 4 मैक्सिमम होते हैं, तो उनको एक की ज़रूरत थी, तो वो कह रहे थे अगर आपको कंट्री करनी है तो आप हमारे साथ कर सकते हो 200 में, बट नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ क्योंकि इट्स डैम हॉट मैन, डैम इज़ डैम हॉट। ये जो आप पीछे जो आप पानी देख रहे हो, इस डैम के अंदर अराउंड 70-80 फीट डीप वाटर है, इतनी ज्यादा गहराई है इसकी और काफी बड़ा है, बहुत बड़ा। आई एम जस्ट लीव फ्रॉम द डैम टॉप एंड देयर इज वन मोर थिंग, क्रोकोडाइल पार्क दैट इज 200 मीटर फ्रॉम द डैम। देयर इज 25 रुपीज टिकट फॉर क्रोकोडाइल पार्क एंड आई हैव टेकन दैट, नाउ आई एम गोइंग टू क्रोकोडाइल पार्क दैट इज जस्ट upstairs from the ticket counter. को देखो मुंह खोल के पड़ा हुआ है। That's it, 8 क्रोकोडाइल है इधर, 8 और 9 ऐसे कुछ है। यहाँ से अब मेरे को जाना है 30 किलोमीटर, त्रिवेंद्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन, वहाँ से थम्पानूर की साइड जाना है। और ये सारी इंस्ट्रक्शन जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये सारी मेरे को मेरी सिस्टर ने दी है, जिसको आपने जयपुर वाले व्लॉग में देखा होगा। जयपुर से पहले दरअसल वो 3-4 साल यहीं पे त्रिवेंद्रम में, तो ये सारी जगह जितनी भी मैं आज घूम रहा हूँ सुबह से 4:30-5 बजे से, तो ये सारी जगह मेरे को उसी ने सजेस्ट करी है। एक बार और देख लो निहार डैम, बस अब पता नहीं कब देखने को मिलेगा। वैसे तो कभी भी YouTube पे वीडियोस उठा के हम देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ, तभी तो ये सारी जर्नी रिकॉर्ड करी है, ताकि मैं आराम से बैठ के कभी अकेला या जब भी इन फ्यूचर बैठ के आराम से देखूँगा ये पूरा व्यू, ये पूरे ये सारे दिन सारी यादें इकट्ठी करके जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अच्छा मैं ये तो बता दूँ कि मैं थम्पानूर जा के रहा हूँ, वहाँ मैं जा रहा हूँ खाना खाने, क्योंकि वहाँ पर मिलता है बहुत अच्छा खाना, जो कि मेरी बहन ने सजेस्ट किया है कि नॉर्थ इंडियन टाइप तेरे को फूड मिल जाएगा, जैसा तू खाना चाह रहा है वहाँ पे तेरे को अच्छा मिलेगा। तो मैं वहाँ पे सिर्फ खाना खाने के लिए जा रहा हूँ और कुछ वजह नहीं है। यहाँ पे इनका कुछ तो फेस्टिवल है जो कि अभी थोड़े दिनों में होना था ऐसे कुछ। ओह नो, नॉट अगेन यार, बारिश स्टार्ट हो गई है। आई थिंक दिस इज़ द त्रिवेंद्रम सिटी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। गर्मी, यस दिस इज़ द मेन त्रिवेंद्रम सिटी, यहाँ पे सारे शोरूम्स वगैरह, रोड्स भी अच्छे आ गए हैं। यहाँ पे चेन ल्यूब पता करता हूँ, क्या पता मिल जाए। एक्सक्यूज मी, डू यू हैव चेन ल्यूब? व्हिच ब्रांड? मोटुल। शुक्र है ये दोनों चीज़ें मिल गई हैं।
बड़ी मुश्किल से अभी ये पंजाबी ढाबा मिला है और यहाँ पे मैंने अभी कढ़ाई पनीर वगैरह ऑर्डर किया है। बाद में कॉल आ गया तो मेरी वैन का और गोप्रो की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, तो इसीलिए गोप्रो मैंने दिखा पाया और उसने सारा वीडियो कॉल पर पूरी मेरे को इंस्ट्रक्शन दी रस्तों की और मैं यहाँ पर फाइनली पहुँच गया हूँ। तो अभी भूख लग रही है बहुत तेज़ और 2 बज गए हैं। बारिश रुक जा यार प्लीज़, बस 20 मिनट शुरू हो गई है यार फिर से। कल भी ऐसे ही फंसा था यार 6 किलोमीटर पे। कल का दिन बहुत ज़्यादा अच्छे से स्पेंड हुआ और रात को बस शाम को जो बारिश हो गई ना वो थोड़ी सी दिक्कत हो गई वहाँ पे, बस थोड़ा सा कैमरा वगैरह उतारना पड़ गया। वैसे तो बहुत सही रहा, बहुत मज़ा आया मेरे को सुबह उस पीक पे और उसके बाद डैम पे, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। पीक तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, जो क्लाउड्स जो आपको बिल्कुल टच करके जा रहे थे ना वो बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने कुछ रील्स भी बनाई है इंस्टाग्राम के लिए, देखिएगा ज़रूर, IIIS SSS जैसे आप सर्च करेंगे IB फिल्म ईशान नाम से आ जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। सो आई होप आपको भी ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब तो बनता है ना, तो सब्सक्राइब भी कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस व्लॉग का अगर कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो बुरा लगा हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय डे, बाय बाय।